उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने कहा कि हिंदुजा ग्रुप के प्रकाश और अशोक ने अभी मुझे डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की चाबी सौंपी है। चाहूंगा कि सिर्फ चाबी नहीं बल्कि जल्दी से जल्दी वो यहां अपना प्रोडक्शन शुरू करें। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का बाजार उनका इंतजार कर रहा है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी को हिंदुजा ग्रुप की तरफ से डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की चाबी और मोमेंटो प्रदान किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने प्लांट में इलेक्ट्रिक बसों का अवलोकन भी किया और उनके फीचर्स के बारे में भी जानकारी ली। हिंदुजा ग्रुप के अधिकारियों ने उन्हें ई व्हीकल्स की विशेषताओं से परिचित कराया। योगी ने हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख लोगों और अधिकारियों के साथ मंत्रणा भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट अशोका लीलैंड के माध्यम से स्थापित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हिंदुजा ग्रुप अशोका लीलैंड को शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में हम जैसे इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी लेकर आते हैं, वैसे ही इन्वेस्टर्स को भी अपने निवेश को पब्लिक फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 1 लाख स्कूली बस हैं हमारे पास, ये सब रिप्लेस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक बसों में, बशर्ते इस दिशा में हम लोगों ने थोड़ा भी इनिशिएटिव लिया तो। उत्तर प्रदेश में 1,05,000 से अधिक राजस्व गांव हैं और 2 लाख से अधिक मजरे हैं। अगर इन 1 लाख गांवों को हमें शहरों से जोड़ना होगा तो भी सस्ती सेवा के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा सस्ती और लोकप्रिय माध्यम बन सकती है। इसमें हम अपने तमाम युवाओं को इस सर्विस के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी हिंदुजा ग्रुप भी कुछ इनिशिएटिव ले और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक एक गांव को जोड़ने के लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर गांव को शहर से जोड़ने के लिए प्रयास करना होगा। गांव का प्रोडक्ट शहर में आए इसके लिए माल ढोने वाले छोटे ट्रक का उपयोग किया जा सकता है। फिर चीनी प्लांट के रूप में हम लोग दूध को दुग्ध समितियों के साथ जोड़कर सिटी में लाने में योगदान दे सकेंगे, तो ये बहुत बड़ा मार्केट आपको अकेले यूपी में मिलेगा। यूपी का मतलब यूपी नहीं है, यूपी का मतलब बिहार भी, मध्य प्रदेश भी और नेपाल भी यूपी के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। ये सभी राज्य इस सुविधा का लाभ लेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा लागू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा सोमवार को 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। आज इसी के तहत अशोका लीलैंड ने अपने कार्य को शुरू भी कर दिया है। विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश का बाजार आपका इंतजार कर रहा है। जितनी जल्दी और तेजी के साथ आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं ये आप पर निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत हर इलेक्ट्रिक बस में 20 लाख रुपए तक की इंसेंटिव दे रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूपी की पॉलिसी अलग है। यह इन्वेस्टर्स के लिए भी है और खरीदने वाले के लिए भी है। ये देश की सबसे अच्छी पॉलिसी में से एक है। इसका लाभ इन्वेस्टर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों को भी मिलेगा। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि नेट जीरो के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना ही होगा, उस दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा। इस अवसर पर हिंदुजा ग्रुप भारत के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह, विकास गुप्ता, औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह, यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी और हिंदुजा ग्रुप के अधिकारीगण उपस्थित रहे।